Hey guys, welcome to my channel. I am Neha and I make videos on beauty, fashion, lifestyle. So guys, इस वीडियो में मैं रिवील करने वाली हूँ अपने giveaway winners के नाम. तो guys, please इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में आगे जाके मैं आपको giveaway winners के नाम अनाउंस करने वाली हूँ. तो guys, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ Amazon कुर्ता प्लाजो सेट. Guys, बहुत ही रीजनेबल कुर्ता सेट्स हैं, आपको 1000 के नीचे मिल जाएंगे ये सारे के सारे ड्रेसेस. तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी इकोनॉमिकल है और हर कोई इनको बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है. तो जो फर्स्ट कुर्ता सेट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है, आप देख सकते हैं. तो गाइस, मैंने इसको एक्स्ट्रा लार्ज साइज में ऑर्डर किया है एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर का कुर्ता है इसमें और थ्री फोर्थ लेंथ की स्लीव्स है, राउंड नेक है इसका. तो गाइज, इस कुर्ती को देखते ही मैं बिल्कुल फ्लैट हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसको कई तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ और मुझे इस तरीके का जो कलर है और जो इस तरीके की जो कुर्ती है जिसको आप मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकते हो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. तो गाइज, आप इसमें देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल ये ट्रीज बने हुए हैं और ये कोई फॉइल प्रिंट नहीं है या कोई ऐसा प्रिंट नहीं है जो फेड हो जाएगा. कॉटन की कुर्ती है, कॉटन फैब्रिक अपने आप में एक बहुत अच्छा और रिच लुक देता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है कॉटन फैब्रिक. एंड सबसे अच्छी चीज है कि गर्मी के टाइम में काफी ब्रीदेबल होता है, आप बहुत इजीली उसको पहन सकते हो. तो आप देख सकते हैं लेंथ वाइज भी कुर्ती अच्छी खासी लेंथ की है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबी हो इस तरीके की नहीं है, बट अच्छी लेंथ है इस कुर्ती की. तो गाइस, मुझे काफी अच्छा लग रहा है. इसके साथ आपको मिलता है ये प्लाजो पैंट. नाउ दिस प्लाजो पैंट ये भी कॉटन फैब्रिक में है और गाइस काफी कंफर्टेबल लग रहा है. आप देख सकते हैं इसमें ये बेल्ट है, स्ट्रेचेबल है, काफी स्ट्रेचेबल है. और गाइस, नीचे आप देख सकते हैं जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, नीचे उन्होंने इस तरीके की बीड्स दी हुई है, व्हाइट कलर की मोती लगाई हुई है इसमें साइड में जो कि काफी यूनिक है. आपको नॉर्मल जो प्लाजोज मिलते हैं उसमें इस तरीके का जो लुक है वो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा एंड काफी नैरो है, काफी नैरो काइंड ऑफ प्लाजो है इसका, काफी स्मार्ट भी लगते हैं. तो गाइज, इसके साथ आपको मिलता है ये दुपट्टा. तो आप इस दुपट्टे में देख सकते हैं रेड कलर का बॉर्डर है और यहाँ बॉर्डर में आप देख सकते हो इस तरीके का उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया. आप देख सकते हो लेस लगाई हुई है बॉर्डर में और ये साथ में ये रेड कलर से उन्होंने टैसल्स दिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे टैसल्स हैं और पूरे दुपट्टे में आप देख सकते हैं चारों तरफ इसी तरीके के गोल्डन लेस है और ये टैसल्स हैं छोटे छोटे रेड कलर के. तो गाइस, मुझे इसका जो दुपट्टा है वो बहुत अच्छा लगा. आप देख सकते हो काफी भरा हुआ दुपट्टा है, तो अगर आप इसको किसी पार्टी में पहनना चाहते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, काफी खिलकर आएगा. और आई थिंक इस तरीके के जो कलर्स हैं वो काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंडियन स्किन टोन को और मुझे बहुत अच्छा लगा ये. तो मैं फटाफट से इसको ट्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मुझ पे कैसा लगता है. सो गाइस, ये कुर्ता सेट VR Fashions ब्रांड से है और बहुत ही अच्छा कॉटन का सेट है ये. इसमें आप देख सकते हैं येलो कलर का है, राउंड नेक है इसका एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है. इसका प्लाजो पैंट आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी बीड्स की वर्क दी हुई है जो कि बहुत एलिगेंट लग रही है. नॉर्मली आपको नहीं मिलता है इस तरीके का प्लाजो में इतना अच्छा वर्क, तो मुझे ये काफ़ी यूनिक लगा और स्पेशली मुझे जो इसका दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आप देख सकते हैं काफ़ी भरा दुपट्टा है, काफ़ी हैवी दुपट्टा है. इसके ऊपर पूरे पे उन्होंने ये फ्लोरल प्रिंट दिया है, मुझे फ्लोरल प्रिंट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको एक्स्ट्रा लार्ज साइज में लिया था. एंड प्राइस भी आपको बहुत ही रीजनेबल मिलेगा इसका. एंड गाइज, इसको अगर आप बहुत अच्छे से एसेसराइज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी पार्टी वेयर कुर्ती बन जाएगी. नेक्स्ट कुर्ता सेट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लू कलर का कुर्ता है, सी ग्रीन कलर है बल्कि आप देख सकते हैं इसमें, और उसी तरीके का प्रिंट बना हुआ है, कॉटन फैब्रिक में है. आई थिंक थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंट लग रहा है बट मैं इसको जब ट्राई करूंगी तब आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि ट्रांसपेरेंट है नहीं है. बट अगर है भी तो आप अंदर कोई भी इनर पहन सकते हो और आपका काम चल जाएगा. तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/4 लेंथ की स्लीव्स है इसकी. स्लीव्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्रिंट दिया हुआ है उन्होंने और इस साइड भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्रिंट है और आप देख सकते हो नीचे से एक बहुत अच्छा सा एक कट दिया है उन्होंने. पूरी कुर्ती में बटन है और नीचे यहाँ पर कट है
ओपन है फ्रंट से, तो ये जो फ्रंट स्लिट ओपन कुर्तीज होती है वो काफी स्मार्ट लगती हैं, तो ये उसी में से एक है। और इसका जो प्रिंट है वो भी काफी एलिगेंट है। तो इसके साथ आपको मिलता है एक प्लाजो पैंट, इसमें दुपट्टा नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके की डोरी है। और यहाँ पर नीचे भी उन्होंने प्रिंट दिया है, बट आई थिंक इन्होंने मुझे जो साइज है वो स्मॉल दे दिया है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे S लिखा हुआ है। सो आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड, ये मुझे बिल्कुल फिट नहीं आने वाला। ये आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे का उन्होंने मुझे ये प्लाजो पैंट दे दिया है। सो आई एम हाईली हाईली डिसअपॉइंटेड, तो इसको तो मैं बिल्कुल ट्राई नहीं कर पाऊंगी। बट एनी हाउ, ये कुर्ता सेट काफी अच्छा लगा मुझे, आई विश कि मैं इसको ट्राई कर पाती। सो गाइस, नेक्स्ट कुर्ती मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की कुर्ती है, इसके ऊपर राउंड नेक है इसका। नेक पे आप देख सकते हैं इस तरीके का थ्रेड वर्क है, 3/4 लेंथ की स्लीव्स है इसकी। एंड पूरी कुर्ती में आप देख सकते हैं इस तरीके का उन्होंने प्रिंट दिया हुआ है, ये भी कॉटन फैब्रिक में है। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉटन वालास, तो कॉटन वालास की कुर्ती भी बहुत अच्छी होती है। आप पीछे भी देख सकते हैं इसी तरीके का प्रिंट दिया हुआ है, मीडियम लेंथ की कुर्ती है। एंड यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हैं इस तरीके का बटन भी दिया हुआ है एंड एक छोटा सा टैसल दिया हुआ है। तो ओवरऑल मुझे ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, काफी स्मार्ट लगेगी, अगर आप डेनिम के ऊपर भी पहनते हो तो काफी स्मार्ट लगेगी। तो ओवरऑल इसका लुक मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसको अगर आप रेड कलर की लेगिंग्स के साथ, जेगिंग्स के साथ पहनते हैं तो काफी अच्छा लगेगा। सो गाइस, ये जो कुर्ती है ये लॉन्ग कुर्ती है और अनारकली स्टाइल कुर्ती है, और बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये रेड कलर की थ्रेड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसके ऊपर। एंड इसके ऊपर ये वाइट कलर का प्रिंट बना है कुर्ती के ऊपर, जो कि काफ़ी एलिगेंट लग रहा है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। इसको आप पेयर कर सकते हैं वाइट कलर के लेगिंग्स के साथ, जेगिंग्स के साथ या ट्राउज़र्स के साथ, तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। राउंड नेक है इसका एंड पूरे बैक में आप देख सकते हो सेम वैसा ही प्रिंट है जैसा फ्रंट में है। मैंने इसको एक्स्ट्रा लार्ज साइज में लिया है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉटन वालास। लास्ट कुर्ता सेट में दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हो ये मरून कलर का कुर्ता है और बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता है, आप देख सकते हैं राउंड नेक है, 3/4 लेंथ की स्लीव्स है एंड पीछे उन्होंने इस तरीके की डोरी दी हुई है बांधने के लिए। यहाँ नीचे आप देख सकते हो इस तरीके का उन्होंने जो इसका घेर है, क्योंकि ये अनारकली स्टाइल की कुर्ती है तो इसका घेर बहुत अच्छा है। और यहाँ नीचे उन्होंने इस तरीके का गोल्डन प्रिंट दिया हुआ है क्रिस क्रॉस पैटर्न में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ हमें मिलता है ये दुपट्टा, कोई प्लाजो पैंट नहीं है इसके साथ। तो ये जो दुपट्टा है आप देख सकते हैं काफी प्यारा वैसा ही मरून कलर का दुपट्टा है, और इसके ऊपर भी यू नो इस तरीके के छोटे छोटे पोलका डॉट्स टाइप के गोल्डन प्रिंट है, और इसके बॉर्डर पे भी वैसा ही गोल्डन प्रिंट है। तो ओवरऑल इसका जो लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसके नीचे अपना कोई भी यू नो प्लाजो पैंट, लेगिंग्स या जेगिंग्स पहन सकते हो। अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो आई थिंक आपको वो भी यू नो इतना मैचिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आई थिंक इसका जो लेंथ है वो काफी अच्छा है। बट मुझे तो पहनना पड़ जाएगा क्योंकि मेरी हाइट 5'6" है, तो मुझे इसके नीचे कोई प्लाजो पैंट या लेगिंग्स या जेगिंग्स कुछ पहननी पड़ेगी। एक्स्ट्रा लार्ज साइज में लिया है मैंने इसको, और आप भी इसको परचेज कर सकते हो बहुत इजीली अमेजोन पे। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, एक सिंगल लिंक दिया हुआ है माय हॉल स्टोर का, उसमें आपको क्लिक करना है और आपको ये कुर्ती परचेज करनी है। सो गाइस, ये कुर्ता सेट रियॉन फैब्रिक में है, काफ़ी लाइट फैब्रिक है इसका एंड इसमें आपको प्लाजो पैंट नहीं मिलता है, सिर्फ ये कुर्ती मिलती है जो कि अनारकली स्टाइल कुर्ती है। इसमें आप नीचे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रिंट बना हुआ है क्रिस क्रॉस पैटर्न में एंड दुपट्टे पे ये गोल्डन पोलका डॉट्स हैं विद गोल्डन बॉर्डर, और मैंने ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज में लिया है और काफ़ी अच्छा लुक है इसका। आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छी पार्टी वेयर कुर्ता सेट बन सकता है आपका। और मुझे ओवरऑल इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और डेफिनेटली ये एक बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है आपको। तो गाइस, अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ अपने गिव अवे विनर्स के नाम। तो नाम अनाउंस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस, यू नो पार्टिसिपेट बहुत सारे लोगों ने किया था, बट जो मेरे गिव अवे के रूल्स हैं वो बहुत ही कम लोगों ने फॉलो किया था। एंड मुझे समझ पे नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने क्यों नहीं सारे रूल्स फॉलो किए, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सिंपल रूल रखे थे इस बार और थोड़ा सा एक्साइटिंग भी बनाया था अपने गिव अवे को।
यू नो क्विज क्वेश्चन के साथ. नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि इससे पीछे मैंने जो चार वीडियोज अपलोड की थी उसमें मैंने एक एक करके एक एक क्विज क्वेश्चन डाला था, बट किसी ने हर किसी ने कोई ना कोई वीडियो छोड़ दी है. तो गाइस बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर एक क्विज क्वेश्चन का जवाब दिया है, सही दिया है. तो गाइस प्लीज अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरे चैनल पे गिव अवेज मैं करती रहती हूँ. एंड आई होप कि आप लोग प्लीज माइंड नहीं करेंगे और आगे भी मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करते रहिएगा. ट्रस्ट मी, जो मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और जो मेरे हर एक गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हैं उनको मैं नहीं भूलूंगी और मैं आगे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आऊंगी. तो गाइस जो मेरे 3 गिव अवे विनर्स के नाम हैं वो हैं, जो फर्स्ट मेरी विनर है वो है कृति गोला, सेकंड विनर का नाम है दीपा वाई और जो थर्ड विनर है वो है शिप्रा सिंह. तो गाइस प्लीज आप लोग अपना साइज, फोन नंबर और घर का एड्रेस मुझे ईमेल कर दीजिए या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं. तो मुझे बिल्कुल वेट रहेगा आपके डिटेल्स का ताकि मैं फटाफट से जो कुर्ती है वो कुरियर कर सकूं एंड आपके पास जो गिव अवे कुर्तीज हैं वो पहुंच सके. सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. सी यू सून, बाय.